सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के फ्रंटलाइन फाइटर सुखोई SU-30 MKI की, जो कि न केवल इंडियन एयरफोर्स बल्कि दुनिया के भी सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सुखोई 30 MKI रशियन ओरिजिन का ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है और इस सुखोई 30 के फाइटर का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। वर्तमान समय में सुखोई 30 MKI फाइटर को भारत में ही HAL द्वारा लाइसेंस के तहत असेंबल किया जाता है और इन फाइटर्स के लिए सन 2000 में भारत और रशिया के बीच डील को साइन किया गया था। और जो पहला सुखोई 30 MKI फाइटर का वेरियंट था, जिसे रशिया ने बनाया था, उसे 2002 में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया। और जबकि HAL द्वारा स्वदेशी तौर पर असेंबल किया गया पहला सुखोई फाइटर 2004 में इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 272 सुखोई 30 MKI फाइटर्स के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में 249 फाइटर्स मौजूद हैं, यानी कि 249। और अभी बीच में रिपोर्ट आई थी कि इंडियन एयरफोर्स 12 और सुखोई 30 MKI फाइटर्स को लेगी। सुखोई 30 MKI फाइटर भले ही एक रशियन ओरिजिन का फाइटर है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 50% कंपोनेंट्स ऐसे लगे हुए हैं जो कि भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित किए हैं। और इस एयरक्राफ्ट को इंडियन स्पेसिफिकेशंस के अनुसार इंडियन सिस्टम और एवेनिक्स के साथ साथ फ्रेंच और इजरायली सब सिस्टम से भी इक्विप्ड किया गया है। और इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर में भी सुखोई सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट सुखोई SU-35 की तरह ही बहुत सी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, यानी कि सुखोई 30 MKI फाइटर भी उन फीचर्स और कंपोनेंट्स को शेयर करता है जो कि सुखोई SU-35 में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई 30 MKI फाइटर्स की कैपेबिलिटीज को कई बार वॉर गेम्स के दौरान प्रदर्शित भी कर चुकी है। और कई बार तो इस फाइटर ने वॉर गेम्स के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज के एडवांस फाइटर्स जैसे कि यूरो फाइटर टाइफून और F-15C जैसे फाइटर्स का भी मुकाबला किया है और उन दोनों के कंपेयर में एक बेहतरीन फाइटर निकल के सामने आया है। इस फाइटर में जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, उसकी वजह से इस फाइटर में लॉन्ग रेंज के अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल और ब्रिटिश ओरिजिन की एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इक्विप किया जा सकता है। पर इस फाइटर में जो प्राइमरी मिसाइल आर्मामेंट है वो है R-77, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर, और R-27ER, जिसकी रेंज है 130 किलोमीटर। और इस फाइटर के साथ इंडियन एयरफोर्स रशियन ओरिजिन की एकमात्र ऐसी एक्सपोर्ट क्लाइंट है जिसके पास रशिया की K-100 अवॉक्स किलर एयर टू एयर मिसाइल है। और इंडियन एयरफोर्स वर्तमान समय में इस वेपन सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर है। और अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि ब्रह्मोस एयर टू एयर मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर में इंटीग्रेट करके भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना है जिसने अपने फाइटर में एक लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट किया हो, क्योंकि अभी तक रशियन एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया है। और इसी के चलते सुखोई 30 MKI एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट निकल के सामने आता है जिससे शायद कोई भी भिड़ना नहीं चाहेगा। अगर इसे कंपेयर करें साउथ एशिया के अन्य फाइटर्स जैसे कि पाकिस्तान के फ्रंट लाइन फाइटर F-16 और JF-17 से, तो वैसे तो ये दोनों ही फाइटर्स सिंगल इंजन वाले फाइटर्स हैं और इनका सुखोई 30 MKI से कोई भी मुकाबला नहीं है। पर एक सिंगल इंजन फाइटर होने की वजह से ये दोनों ही लाइट वेट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इस हिसाब से इन दोनों फाइटर्स की जो मैन्युवरेबल करने की कैपेबिलिटी है वो सुखोई 30 MKI से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फैक्ट यह है कि सुखोई 30 MKI एक हैवी वेट फाइटर होने के बावजूद भी इन दोनों फाइटर्स की तुलना में ज्यादा मैन्युवरेबल है, और इसकी मैन्युवरेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है इसका टू डायमेंशनल थ्रस्ट फैक्टरिंग सिस्टम, जिसके चलते सुखोई 35 फाइटर के इंडक्शन से पहले सुखोई 30 MKI दुनिया का सबसे मैन्युवरेबल फाइटर था। पर अब सुखोई 35 में थ्री डायमेंशनल थ्रस्ट फैक्टरिंग सिस्टम है, तो इस वजह से इसकी मैन्युवरेबिलिटी कैपेबिलिटी सुखोई 30 MKI फाइटर से ज्यादा है। और वहीं कंपेयर करें चाइनीज एयरफोर्स से, तो चाइनीज एयरफोर्स के पास सुखोई सीरीज के सुखोई 30 MKK जो कि सुखोई 30 फाइटर का ही एडवांस वेरिएंट है, और इसमें भी सुखोई 35 फाइटर की तरह ही कैपेबिलिटीज दी गई हैं। और चाइना सुखोई 35S और सुखोई SU-27 को भी ऑपरेट करता है। पर फिर भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर है उसमें कुछ ऐसे स्वदेशी तौर पर कॉम्पोनेंट को इस्तेमाल किया गया है जो कि चाइनीज एयरफोर्स के पास मौजूद फाइटर्स में नहीं है। और यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ऐसा कहा गया था
कि जो सुखोई 30 एमकेआई फाइटर है उसकी रडार इतनी पावरफुल है कि वो चाइना के स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन फाइटर J-20 को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है। हालांकि वर्तमान समय में सुखोई 30 एमकेआई में एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी इस फाइटर में एडवांस ड्यूक नाम की एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी कि AESR रडार को अपग्रेड करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। यानी कि इस रडार के लगने के बाद चाइना की स्टेल्थ फाइटर के लिए छुपना और भी मुश्किल हो जाएगा। और जो सुखोई 30 एमकेआई फाइटर में ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी वजह से ये फाइटर चाइनीज एयरफोर्स में मौजूद अन्य सुखोई फाइटर्स को भी टक्कर दे सकता है। और इसके अलावा भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर में सुखोई 30 एमकेआई एक एयर पावर को बैलेंस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में राफेल फाइटर्स भी शामिल होने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स केवल सुखोई 30 एमकेआई फाइटर पर निर्भर नहीं रह सकती है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स को राफेल जैसे अन्य फाइटर्स की भी जरूरत है, और वो भी एक बड़े नंबर पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।